हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो, आज का हम अपना ब्लॉग जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे, आज है विश्वकर्मा जयंती और आज अनंत चतुर्दशी भी है, तो उसकी भी सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश जी का विसर्जन होगा, आज विश्वकर्मा पूजा होती है, मशीनों की पूजा, गाड़ियों की पूजा, इस तरह से जो भी है वो पूजा हमारे कैंपस में होगी। आज उसका लंच और डिनर दोनों चीज़ है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो आज घर में लंच डिनर कुछ बनना नहीं है, लंच नहीं बनना है क्योंकि हमने लंच का कूपन मिला है, लेकर आए हैं, तो वो हम लेंगे। और बस आज अनंत चतुर्दशी है तो हमारे यहाँ दशा रानी की पूजा होती है, तो उसकी तैयारी हमको करना है। पुआ बनते हैं, जैसे हम चार लोग हैं, चार मतलब ये हैं मम्मी जी, मैं और अमन, हम सबके 10-10 मिला के 40 पुआ बनते हैं। मीठी पूड़ी जो हम बोलते हैं ना, गुड़ वाली जो पूड़ी होती है, वो बनना है। दशा रानी की वो पूजा करेंगे और फिर जाएंगे वहाँ पर कला केंद्र में लंच करने। तो घर की पूजा वूजा सारे काम हो चुके हैं, आज सब बच्चों ने छुट्टी ले ली है, किसी की छुट्टी नहीं थी, सभी तीनों ने भी छुट्टी ले ली है। तो चलिए, हाँ पापा ने भी छुट्टी ले ली है, तो चलिए लगते हैं अब अपने काम में। सब अभी सो के उठते ही जा रहे हैं, बस टाइम देखिए 11 o'clock हो रहा है, सब अभी उठते ही जा रहे हैं। और मेरा और सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ घर का समेटना वगैरह, अब मैं बनाऊँगी पुए। तो चलिए, हाँ सब उठ गए, तो चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से मैं पुआ बना रही हूँ, क्योंकि आज करनी है हमको दशा रानी की पूजा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आटा ले लिया है, आटे में थोड़ा सा मौन डाला है मैंने जिससे थोड़ा नरम रहे, और ये वही गुड़ को भिगो दिया था पानी में, तो ये इस तरह से उसको मिसल के पूरा ये पानी तैयार कर लिया है गुड़ वाला। इसको इससे हम आटा सानेंगे और फिर पुआ बनाएंगे। तो चलिए आटा हम सानते हैं। तो ये इस तरह से, ये देखिए पुआ जो है वो सेक चुके हैं पूजा के लिए। 10-10 के ये मैंने ये बना के रखे हैं, 40 भैया जी, मम्मी, मैं और इनके चार लोगों के। ये देखिए 40 पुआ बन चुके हैं, अब इसकी पूजा होगी दशा रानी की। ये है फ्रेंड्स दशा रानी माता की तस्वीर जिसकी हम पूजा करते हैं, इस तरह से ये बनाया जाता है। तो हमने तो बनवा के इसको मढ़वा के रख लिया है और हर साल इसी मतलब इनकी फ़ोटो की पूजा करते हैं, इस तरह से उनको पुआ चढ़ते हैं। 10-10 हम सबके चार लोगों के चार हिस्से रहते हैं और यही पूजा का सामान, हवन सामग्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूजा।
पूजा की विधि विधान तो वही रहती है फ्रेंड्स, कलश की पूजा, फिर जाप की पूजा है, उसमें अक्षत चंदन टीका चंदन लगा के फिर वही पूजा के बाद आपकी जो होती है कथा जरूर पढ़ी जाती है। इसमें कथा पढ़ने के बाद आपका हवन, हवन के बाद आरती, और बस इस तरह से जो है पूजा संपन्न हो जाती है। तो पूजा का वही मतलब एक मेन जो तरीका होता है वो तो वही होता है, बस जो कथा होती है वो अलग हो जाती है, और जो भोग रहता है, जो प्रसाद रहता है भगवान का, वो अलग अलग भगवानों का अलग अलग रहता है। तो बस आज गणेश जी का विसर्जन भी होना है, तो इससे पहले ये अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हो चुकी है दशा रानी की पूजा अच्छे से हम लोगों की, और बस अब जो है रेडी होंगे और जाएंगे कला केंद्र। एक बजने लगा है, आपको जैसे बताया विश्वकर्मा पूजा है आज, उसका आज लंच है, डिनर भी होगा, पर हमने लंच का कूपन लिया, मिलता है वो कूपन देके फिर वहाँ पर आपको लंच करने मिलेगा। तो बस अब होते हैं रेडी, सब हो रेडी हो रहे हैं, मम्मी जी मैं ही रह गए थे, भैया जी अपनी निकाह हो चुके हैं, भैया जी रेडी होके उनकी होने लगी है पढ़ाई भी, ये देखिए वो रेडी होके पढ़ रहा है, अपनी निकाह भी रेडी होके बैठी हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग होते हैं फटाफट और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स चलिए लगाया जा रहा है लॉक, और इस तरह के कूपन मिलते हैं हर चीज़ के, ये जैसे आइसक्रीम का है, और सभी लोग नीचे उतर चुके हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो भैया जी जब तक लगा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये आइसक्रीम का, फिर इस तरह से रहता है वेज लंच, अपन ने लिया है तो ये वेज लंच का, तो ये सारे कूपन आपको दिखते हैं इस तरह के सब लोगों के हैं। तो चलिए चलते हैं और लंच करके आया जाता है फ्रेंड्स। समझो देखो फ्रेंड्स सभी लोग हम लोग निकल पड़े हैं, सभी आ रहे हैं ना, तो दादी माँ भी उठ गया। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है पीछे, चलिए उतरते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का आज माहौल है हमारे कैंपस में। आराम से अपनी साइड का दरवाजा, नहीं दूर है, दूर है, दूर है। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए सभी लोग आते जा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, सभी गाड़ियाँ पार्क हैं। चल इस साइड से दादी माँ का पकड़ लो, यहाँ पर तीनों रहेंगे। हाँ हमने रख लिया, उसी से हाथ ही तो पहुँचना है बस। चलिए फ्रेंड्स चला जाए, ये देखिए काफ़ी भीड़ है अंदर, जगह तुरंत मिलती है कि थोड़ी देर बाद मिलती है ये जाके पता चलेगा, क्योंकि भीड़ पे डिपेंड है, कई बार थोड़ा सा वेट भी करना होता है। चलो चला जाए। तो फ्रेंड्स गेट क्या बढ़िया डेकोरेट है, सब है अंदर, आप तो चलो आइसक्रीम खाओ यहाँ जाओ, पहले खा लें फिर फोटो वोटो ले लेंगे, है ना, देख के अब देखेंगे नहीं इस तरह से। चलो पता चलेगा, वहाँ सेल्फी जोन भी बनाया हुआ लग रहा है, सेल्फी जोन। ओह नमस्ते भैया, वैसे अभी ये अंदर में हो रहा है वेज वाला, जो वेज एरिया है ना वो अंदर यहाँ बनाया हुआ है इस बार अलग से, और यहाँ पानी पूरी भी मिल रही है, तो चलिए चलते हैं और पानी पूरी थोड़ा सा जब तक एंजॉय करके आते हैं। अभी तो वो लोग बैठे ही, उनकी प्लेट ही लग रही है क्योंकि, है ना, मुझे दोबारा मैं अभी बैठे हूँ, चलो ये मैं आती हूँ पानी पूरी खा के। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है वेज सेक्शन, नॉन वेज का अलग रहता है। लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, चार चार का सीट है, भैया जी और पापा इधर बैठे हुए, या मैंने आपको दिख रहा होगा देखिए पीछे में। तो फ्रेंड्स अभी आ चुकी है सलाद और पनीर पकौड़ा मिल रहा है, देखो ये खा रही है, अभी एंजॉय करती हूँ पनीर पकौड़ा के लिए। पापा और भाई जी तो ये बैठे हुए हैं पीछे, एक एक करके चीज़ें आती जा रही हैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, सलाद खाली पकौड़ा आ गया। तो अब आ चुके हैं छोले और पूरी, सभी खाते हुए
मत खाओ ना दोनों, छोड़ दे से पहला चुके हैं। पनीर की भी सब्जी, पुलाव। पापड़ खा लिया मैंने, चटनी जो यहाँ का फेमस, और ये रसगुल्ला बंगाली वाला भाई। चलिए एंजॉय किया जाए ये सब। तो फ्रेंड्स हम लोगों का लंच हो चुका है, और चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कर ले, आइसक्रीम वगैरह ले लें, और फिर निकलेंगे घर के लिए। चलो फ्रेंड्स हम लोगों का फ्री हो गए हैं लंच डिनर से, और इस तरह से सभी लोगों का चलता जा रहा है, जो आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आइसक्रीम मिली है तो ये देखिए, इसमें आइसक्रीम है अंदर, वो रखते थे वो डिब्बे में जो मिलती है वैसी वाली आइसक्रीम है। तो चलिए अब निकला जाए घर के लिए, टाइम होने ही लगा है, एक डेढ़ घंटा तो हम लोग को हो ही गया। बढ़िया से फुल्की भी हो गई, पानी पूरी खा लिया, लंच हो गया, काफ़ी टेस्टी रहा, और फिर तो आइसक्रीम है। तो चलिए अब निकल आ जाए घर के लिए। फ्रेंड्स अब वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अब कर रहे हैं गणेश जी की पूजा, क्योंकि अब विसर्जन के लिए जाना है। तो वही भगवान को अच्छे से पूजा करके, आरती करके, फिर उनको विदा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये लग चुके हैं पूजा में। पूजा के बाद आरती करके फिर भगवान को एक बार पूरे अपने घर की पूरी परिक्रमा जरूर कराएं विसर्जन में ले जाने के पहले। और जब आप बाहर लेके जाएंगे गणेश जी भगवान को अपने घर के बाहर करेंगे, तो उनका मुख जो है आपकी तरफ ही रहना चाहिए, मतलब घर के दरवाजे की तरफ ही रहना चाहिए बाहर जाते समय भी। तो इस तरह से देखिए हम सभी लोग आरती कर रहे हैं अभी गणेश जी भगवान की। 10 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चल पाया, और पूजा भी उतने अच्छे से इस बार नहीं हो पाई, हम लोग बाहर चले गए थे तो, नहीं तो और अच्छे से करते, जल्दी जल्दी में डेकोरेशन भी उतना नहीं हुआ था। लेकिन हाँ गणेश जी भगवान विराजे घर में तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये 10 दिन ले, और अब आज से जो है सूनापन आ जाएगा पूरा। तो चलिए घर में पूजा करके फिर निकला जाएगा उनके विसर्जन के लिए। तो फ्रेंड्स भगवान की पूजा करने के बाद अब हम लोग हो चुके हैं रेडी, और चलिए चलते हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से पूरे घर का जो है चक्कर लगाया जा रहा है। गणेश जी भगवान को पूरे घर में एक बार अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए उनके, मतलब उनको इस तरह से है कि पूरे घर का दर्शन हमें ज़रूर कराना चाहिए, जिससे वो हर जगह में हर जगह उनका वास रह जाए। वो जा रहे हैं पर उनकी साथ उनकी जो रिद्धि सिद्धि है उनका वास हमारे घर में रह जाए, इसलिए इस तरह से करना चाहिए। चलिए अब निकला जा रहा है, चल दिए हैं गणेश जी के विसर्जन के लिए। भैया जी बैठ चुके हैं पकड़ के, गणपति बप्पा नहीं विसर्जन होगा। देखिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और यही वो नदी है, यहाँ पानी भर चुका है काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण। चलिए यहाँ करते हैं विसर्जन अच्छे से। चलो भाई देखो वहाँ गोबर है थोड़ा, और पीछे को देख के बेटा, रुको रुको 2 मिनट। पर्स में उसमें गाड़ी लॉक है, खुल ला रहा है। भगवान का विसर्जन हो चुका है, ये देखिए आप गणपति महाराज का आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे, यहाँ ट्रेन भी जाने लगी है जब रेलवे क्रॉसिंग है। तो फ्रेंड्स भगवान का विसर्जन करके हम लोग निकल आए हैं, तो अब घर में थोड़ा सूना लगेगा, 10 दिन भगवान वहाँ विराजमान थे, इस बार उतने अच्छे से पूजा भी नहीं हुई थी ना डेकोरेशन हुआ था, क्योंकि जाना था हम लोग तो 4-5 दिन के लिए चले गए थे, पर भैया जी और दादी माँ ने करी थी पूजा वगैरह कह रहे हैं, पर फिर भी एक जो रहता है ना कि थोड़ा माला वाला बना के अच्छे से करते, डेली ये सोचा था कि भगवान के जाननी के फूल, पर कुछ ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है चलिए अगले साल देखेंगे क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम कभी रहती है तो कुछ मतलब वो रहता ही है। तो भगवान का विसर्जन हो चुका है, चलिए
चला जाए, निकलते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी यहाँ चल ही रहा होगा, स्टार्ट होगा, मतलब लोग आएंगे खाने, अभी डिनर वाला जिन्होंने लिया होगा तो वो डिनर करने आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भीड़, पानी पूरी वाले के यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है इधर। हाँ और क्या फ्री था उसमें ही तो था सब ऐड जो कूपन के उसमें। क्यों ऐसे पैसे में खाते हैं तो क्या फ्री में नहीं खा सकते? हमेशा ही पैसे में खाए जाते हैं। फ्रेंड शाम में बस निकले हैं थोड़ी बहुत देर विसर्जन करने के बाद, आके ट्यूशन लिया, ट्यूशन से साफ है, ट्यूशन से फिर उसके बाद है जो आके थोड़ा, अब थोड़ा सा यार निकले हैं, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना था। भैया जी और मम्मी तो नहीं आए हैं, हम लोग चार जन आए हैं, तो अपनी मीका यहाँ खेल रही हैं और हम लोग यहाँ आराम से अपना बैठे हुए हैं। फ्रेंड चलिए देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स बस घूम के आके हम लोगों का हुआ डिनर। डिनर में वही मैंने आपको बताया था, पुआ रखे हैं जो सुबह पूजा के हमारे पुआ बने थे वो हम लोगों ने खाए, चटनी बनाई थी टमाटर की और अवनी अनिका ने खाई है यिप्पी, तो इनके लिए यिप्पी बनाई थी, चटनी बस पीस ली थी बढ़िया और बस हम सभी ने वही खाया। भैया जी ने भी आज वही खा लिए हैं पुए, उसको पसंद भी आया। मम्मी जी हम सभी ने वही खाया, बस अभी लोगों को दिया है दूध, दूध गर्म करके। तो ये ब्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, बाय। और फ्रेंड्स आज बहुत ही सुना सुना लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे गणपति महाराज विराजमान थे तो काफ़ी चहल पहल लगती थी, अच्छा भी लगता था, गणेश जी बैठे रहते थे तो आज लेकिन सोनापन है उनके बिना काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए कल ये डेकोरेशन भी सब उतारना होगा तो करेंगे धीरे धीरे करके, कल स्कूल भी अपनी यानी का काफ़ी दिनों बाद जाएंगे, पूरा एक वीक ही हो गया करते करते। तो चलिए एंड करते, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय। हाँ।